दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आज तारीख है 9 अगस्त 2022, आज का दिन है मंगलवार। तो हम हमारी पहली खबर से शुरुआत करते हैं, निशानेबाजी के बिना भी भारत का शानदार प्रदर्शन। ये जो खबर है हमारे प्रीलिम्स के प्रस्पेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमें पता है कि हाल ही में बर्मिंघम 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भारत का प्रदर्शन है वो कैसा रहा, इस पर हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ पांचवा प्रदर्शन। ऐसी बात क्यों? क्योंकि दिल्ली 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भारत का जो स्थान था वो दूसरा था। फिर मैनचेस्टर 2002 में भारत का स्थान चौथे नंबर पर रहा था, और गोल्ड कोस्ट 2018 में जो कॉमनवेल्थ हुआ था उसमें भारत का स्थान तीसरा था। ग्लासगो 2014 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भारत का स्थान पांचवा था, और जो हाल ही में राष्ट्रमंडल 2022 जो यूके के बर्मिंघम में हो रहे हैं उसमें भारत का स्थान चौथे स्थान पर रहा है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन जो यूके में बर्मिंघम में हो रहा है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स, लक्ष्य ने पुरुष सिंगल्स और सात्विक साईराज चिराग शेट्टी ने पुरुष डबल्स में स्वर्ण जीता। टेबल टेनिस में शरद कमल ने स्वर्ण जीता, यह उनका बर्मिंघम में चौथा पदक है। पुरुष हॉकी टीम ने रजत जीता। अब ये इस तरह से हमारे जैसे पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित, तो इस तरह से हमारे प्रश्न बन सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी अगली खबर जो है JS2 यानी राज्य व्यवस्था से संबंधित। राज्यवाद होनी चाहिए धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दोहराया कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य स्तर ही देना चाहिए। जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान का आदेश नहीं दिया जा सकता, यह कानून के विरुद्ध है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ठोस उदाहरण देने को कहा, जहां कम संख्या में होने के बावजूद हिंदुओं को मांगने पर अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाता। अब अल्पसंख्यकों का दर्जा लेने से जो हिंदू है उन्हें कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए वो अधिकार हिंदुओं को मिलने लग जाएंगे अगर यदि उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है तो। अब बात आती है कि अल्पसंख्यकों को क्या दर्जा दिया गया है, तो उन्हें कहीं ना कहीं संविधान में उनके अधिकारों हितों के संरक्षण के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, और उन्हें अगर अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है तो कहीं ना कहीं उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में, रोजगार में उन्हें आरक्षण के थ्रू प्रायोरिटी दी जाएगी। इस तरह से हिंदुओं का भी कहीं ना कहीं कहना है कि हमें भी जिस राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहाँ उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। साथ ही कुछ राज्यों में हिंदुओं की अल्पसंख्यक दर्जे देने की मांग वाले वकील अश्विनी उपाध्याय के पहले से लंबित मुख्य याचिका के साथ संलग्न करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2002 को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जाए, और क्योंकि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 का उल्लंघन करती है। अब यह अनुच्छेद बराबरी, धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की बात करते हैं। दूसरी मांग, भारत सरकार को 23 अक्टूबर 1993 की अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित किया जाए जिसमें कुछ वर्गों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया। तीसरी मांग, सरकार को अल्पसंख्यकों को जिलेवार पहचान करने की गाइडलाइंस तय करने का आदेश मिले ताकि धार्मिक व भाषाई रूप से अल्पसंख्यक वर्गों को अल्पसंख्यक दर्जा वाला लाभ मिलना सुनिश्चित हो। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मामले में कहा था कि अल्पसंख्यकों की पहचान राज्यवार होनी चाहिए। जस्टिस ललित ने कहा कि अगर ये आप ठोस उदाहरण देते हैं जहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने से मना किया गया तो कोर्ट उस पर विचार कर सकती, लेकिन आदेश नहीं दे सकती क्योंकि यह कार्यपालिका का काम है आदेश देना। अब अल्पसंख्यकों का जो आंकड़ा है अभी अगली खबर में पढ़ते हैं कि किस राज्य में किस तरह हिंदुओं की संख्या है। हमारी अगली खबर है
मनरेगा में धांधली की शिकायत पर केंद्र सरकार, जैसा कि हमें पता है कि मनरेगा एक रोजगार गारंटी अधिनियम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाती है, जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार के साधन मुहैया कराए जाते हैं। तो इसी योजना से संबंधित एक धांधली की शिकायत पर केंद्र ने सख्त कार्रवाई की मांग की है राज्यों से और खुद भी सख्त कार्रवाई करने के लिए विचार कर रही है। ग्रामीण बेरोजगारी के मुंह का निवाला छीनने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत गाँव के में कराए जाने वाले कार्यों में गड़बड़ी की लगातार शिकायत मिल रही है, ऐसा केंद्र का कहना है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। जनादेश के प्रति सहनशीलता हो, विपक्ष की भी सुने सरकार में वेंकैया नायडू। जैसे हमें पता है कि हाल ही में जो उपराष्ट्रपति जी के चुनाव हुए, जिनमें हमारे नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी नए उपराष्ट्रपति बने हैं, तो अब उनके जो पहले थे यानी सभापति एम वेंकैया नायडू, उनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है, तो उनके विदाई समारोह में इस तरह से विपक्ष को भी सुने सरकार, ऐसा वेंकैया नायडू जी का कहना है कि जनादेश के प्रति सहनशील हो और विपक्ष की सुने सरकार। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य के साथ सभी को मिले बेरोजगारी भत्ता। अब ये इस तरह के ऐसा इनका क्यों कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी हमको पता है कि अभी हाल ही में रेवड़ी बांटने वाली बात कहने वाले भी देश के गद्दार हैं, इस तरह का अभी कहीं ना कहीं एक रेवड़ी कल्चर चला था, जिससे कहीं ना कहीं जो राज्यों के डेब्ट जीडीपी जो रेशियो है उसमें वृद्धि हो रही थी, जिससे राज्य जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उस पर खर्च न करके कहीं ना कहीं जो कर्ज लिया है उसको चुकाने में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान में कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं वो किस तरह से होगी, तो कहीं ना कहीं मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य के साथ सभी को मिले बेरोजगारी भत्ता। अब जैसे इन सुविधाओं को देने से बात आती है रेवड़ी बांटने की, तो एक सीमा तक अगर किसी भी चीज़ को दिया जाए तो कभी भी नुकसान नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं हमारे कल्याणकारी राज्य के लिए सभी को मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य के साथ सभी को मिले बेरोजगारी भत्ता तो ये जरूरी है, क्योंकि जब तक ये लोगों को जो मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी तो वो उनका विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। सीएम ने कहा, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहाँ मुफ्त सुविधा देने को हो गया गुना। दोस्तों के कर्ज माफ करना देश के साथ गद्दारी घोषित हो, ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को देश के 130 करोड़ लोगों की ओर से राज्य सरकार से मांग की कि देश के हर बच्चे के लिए शानदार मुफ्त शिक्षा, हर व्यक्ति के लिए मुफ्त इलाज, हर व्यक्ति के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की जाए। जहां मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य बिजली और पानी की सुविधा देने को गुना हो गया है, इससे सरकार को बहुत घाटा हो रहा है और ये बंदी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, ये एक सीमा तक दी जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के विकास में सहायक साबित हो सकती हैं। अब जैसे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को गरीबी के दुष्चक्र में फंसा कर रखता है, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि मुफ्त शिक्षा, उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, शिक्षा की सब तक पहुँच हो, जो मुफ्त इलाज है वो मुहैया कराया जाए, ताकि जो आउट जो जेब खर्च है उसे कम किया जाए। इस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए सरकार। सरकारी स्कूल बनाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। अब इन्होंने आगे उदाहरण प्रस्तुत किए दूसरे देशों के, जैसे डेनमार्क, नॉर्वे और 39 देश अपने बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा देते हैं, तो इनका हमें पता है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इन देशों का। कनाडा, यूके जैसे देश में मुफ्त इलाज की सुविधा, जिससे वहाँ के लोगों का जो जेब खर्च है बहुत कम होता है, जिससे जो उनकी सेविंग होती है वो अदर कार्यों में लगा सकते हैं। जबकि अमेरिका, जर्मनी जैसे देश में बेरोजगारी भत्ता भी देते हैं। ये देश इसलिए विकसित और अमीर बने क्योंकि ये मुफ्त में अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं। और इसी पर संबंधित अभी कहीं ना कहीं जो रेवड़ी कल्चर, जो रेवड़ी संस्कृति की बात थी, यानी जो फीबिस यानी जो मुफ्त सुविधा देने की बात थी, अभी कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र बिंदु बनी हुई थी। अब हमारी अगली खबर है जेस्ट पॉलिटी
एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार से संबंधित के रिपोर्ट वीस के समक्ष समय पर रखी जाए, एलजी यानी वीस यानी विधानसभा, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, विधानसभा में सभी ऑडिट रिपोर्ट। अब जैसे दिल्ली में इन रिपोर्टों में इंगित है की गई कई अनियमितता गंभीर प्रकृति की हैं, ध्यान देने की जरूरत है। विधानसभा के समक्ष ऑडिट रिपोर्ट को पेश करने में अत्यधिक विलंब से न सिर्फ समय पर सुधारात्मक कार्यवाही में देरी हुई बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कथित कमियां भी रही हैं। इस प्रकार दक्षता, जवाबदेही, तय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने का ऑडिट रिपोर्ट का उद्देश्य विफल हो गए। संविधान के अनुसार एक सरकार के समक्ष रिपोर्ट पेश करता है जिसमें वित्त मंत्री मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद उपराज्यपाल के पास भेजकर उसे विधानसभा में पेश करने की सिफारिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ये अभी चर्चा में आया, तो कहीं ना कहीं जो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वी के सिन्हा जी, इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस तरह से कहा है कि आप जो ये ऑडिट रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं जो विधानसभा में रखी जाए, तो इसमें कहीं ना कहीं समय की देरी हो रही। तो उन्होंने इस तरह से बताया कि इस रिपोर्ट के देरी से प्रस्तुत करने से क्या हो सकता है, तो जो केक की जो ऑडिट रिपोर्ट है तो वो कहीं कहीं प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि इससे कहीं ना कहीं जो सुधारात्मक कार्यवाही की जाए, कहाँ ज़्यादा खर्च किया, कहाँ कम खर्च किया, तो इस तरह से निगरानी रखी जाए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। बिजली कंपनी चुकाने की होगी आज़ादी, करे प्रतीक्षा, चुनने की होगी आज़ादी, करे प्रतीक्षा। ये हमारे जिस टू पॉलिटिन कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित है। बिजली वितरण क्षेत्र में एक से ज़्यादा कंपनियों को संचालन के लिए मिलेगी मंजूरी। देश में बिजली उत्पादन क्षमता को दुगना करने के लिए भारी निवेश जुटाने में बिल महत्वपूर्ण साबित होगा, आर के सिंह। विपक्ष ने कहा सरकार इससे किसानों को सस्ती दर पर बिजली देने के मौजूदा तौर तरीकों पर लगा देगी लगाम। अभी जो हाल ही में बिजली संशोधन विधेयक 2022 तो पेश कर दिया गया, लेकिन विपक्षी दलों के भारी विरोध के बाद इसे वोटिंग करवाने की बजाय संसदीय समिति को भेजा गया। एक ही बिजली वितरण क्षेत्र में एक से ज़्यादा कंपनियों के प्रवेश को खोलने और बिजली वितरण कंपनियों को समय पर राज्यों की तरफ से भुगतान करने की व्यवस्था करने वाले इस विधेयक को लाया गया है। देश में बिजली उत्पादन क्षमता को दुगना करने के लिए भारी निवेश जुटाने में यह विधेयक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह विधेयक अहम ग्राहकों को टेलीफोन मोबाइल प्रदाता कंपनियों की तरह बिजली वितरण कंपनी यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को चुनने का विकल्प देगा। इसमें विपक्ष ने आपत्ति जताई है कि बिजली राज्यों के जो अधिकार का मामला है तो कहीं ना कहीं उनके अधिकार इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। विपक्षी पार्टियाँ सरकार इससे किसानों को सस्ती दर पर बिजली देने के मौजूदा तौर तरीकों पर लगाम लगा देगी, तो इन सब का खंडन करते हुए आर के सिंह ने कहा कि बिजली क्षेत्र में सब्सिडी जो पहले की तरह थी वो वैसी की वैसी चलती रही, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्रॉस सब्सिडी रोकने के प्रावधान जरूर प्रस्तावित हैं। इसके तहत बिजली की दर का एक न्यूनतम स्तर प्रस्तावित है का प्रावधान है, कम दर कोई नहीं रख सकेगा। मौजूदा प्रस्ताव का जो स्वीकार कर लिया जाता है तो जिस तरह से एक ग्राहक टेलीफोन मोबाइल या इंटरनेट की सेवा कई कंपनियों से चुनता है वैसे ही आज़ादी बिजली सेक्टर में मिलेगी। अभी एक वितरण क्षेत्र में एक ही डिस्कॉम होती है, लेकिन प्रस्ताव में इसे दूसरी कंपनियों के लिए भी खोलने की प्रस्ताव है। और साइबर समुचित ट्रांसमिशन लाइन को एक सुरक्षा मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं इससे साइबर हमलों को रोकने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रावधान किए गए। अभी हाल ही में लोकसभा से ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी गई। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी। यह विधेयक देश में रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में योगदान देगा। अब ये रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जो कहीं ना कहीं जिनकी जो लाइफ पीरियड यानी जो वो बहुत समय तक चलती है, यानी उनसे प्रदूषण नहीं होता है, कार्बन उत्सर्जन बहुत कम करते हैं, जैसे कोयला है, ये कहीं ना कहीं परंपरागत स्रोत है जो कार्बन उत्सर्जन बहुत करते हैं और जिससे कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर है, विंड है और कहीं ना कहीं
इन तरह के स्रोतों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विधेयक देश में रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में अहम योगदान देने वाला, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने वाला विधेयक है। भारत सरकार से पेरिस समझौते और ग्लासगो जो ब्रिटेन में अभी हाल ही में COP26 में रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो वादे किए थे उन तय लक्ष्यों को हासिल करने में यह विधेयक अहम भूमिका निभा सकता है। यह विधेयक देश में कार्बन ट्रेडिंग के कारोबार को भी बेहतर तरीके से स्थापित करेगा। पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को इस्तेमाल करने वाले कॉरपोरेट सेक्टर या दूसरी एजेंसियों को कार्बन ट्रेडिंग करने में सहूलियत देगा। बड़े भवनों में रिन्यूएबल ऊर्जा सेक्टर के इस्तेमाल की बाध्यता लागू की जाएगी। तो अगली खबर है हमारी गतिशक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ, विधेयक को मंजूरी। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने वाला विधेयक को मंजूरी दे दी गई। गुजरात के वडोदरा में स्थित जो राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान है को पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा था, जो हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्थान विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। गतिशक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ उसके दायरे को भी विस्तार करेगा यह विधेयक। विश्वविद्यालय के तहत रेल के साथ ही पूरे परिवहन क्षेत्र को लाया जाएगा। रेलवे मेट्रो परिवहन क्षेत्र एक बहुत ही जटिल क्षेत्र है। रेलवे प्रणाली की चलाने के लिए मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिकल दूरसंचार सिग्नलिंग सिविल सहित कई विषय एक साथ आते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इसमें वैश्विक स्तर की शिक्षा दी जाएगी। गतिशक्ति विश्वविद्यालय देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान की जगह लेने वाले गतिशक्ति विश्वविद्यालय के तहत रेलवे समेत पूरे परिवहन क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसमें परिवहन के क्षेत्र में हो रहे सभी आधुनिक विकास कार्यों को बढ़ाया जाए और साथ ही इस दिशा में निरंतर प्रशिक्षण कौशल रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परिवहन क्षेत्र में आ रहे नए बदलाव के लिए टैलेंट की आपूर्ति हो सकेगी, साथ ही आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये खबर है हमारी पीएम गतिशक्ति जो पिछले साल जो आया था मॉडल, जिसके तहत सभी जो मंत्रालय विकास मंत्रालय को इंटीग्रेट किया जाता है कि सभी एक साझा उद्देश्य के लिए काम किया जाए, तो उसकी कहीं ना कहीं उसके जो उद्देश्य है उसको पूर्ति करने में ये कहीं ना कहीं जो ये विधेयक लाया गया है ये कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका साबित करेगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर, मानसून सत्र का 4 दिन पहले समापन। विपक्षी हंगामे के कारण राज्यसभा के 47 घंटे हुए बर्बाद और 17वीं लोकसभा में सबसे खराब प्रदर्शन साबित हुआ नौवां सत्र। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पे, मनरेगा में धांधली की शिकायत पर केंद्र सख्त, ये हमारे GS2 पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं जो अभी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत गांवों में कराए जाने वाले कार्यों में गड़बड़ी की लगातार शिकायत मिल रही है। जियो टैगिंग कराए बगैर कार्य करने से लेकर फर्जी रोजनामचा बनाने और निर्धारित निगरानी प्रणाली की अवहेलना जैसे गंभीर शिकायतों की सुनवाई का न होना आम हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इस बारे में राज्यों को लगातार आगाह कर रहा है और अधिक जिलों में लोकपाल की नियुक्ति भी नहीं की गई जो इस तरह की शिकायत का निवारण किया जाए। मनरेगा के कार्यों की पुख्ता निगरानी के लिए 5 तरह के उपाय किए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिटिंग कराई जाए, यानी जो जिस काम के लिए फंडिंग की गई वो काम हुआ है या नहीं हुआ, उसकी स्थिति क्या है, तो इस तरह को सोशल ऑडिट कहते हैं। वित्तीय गड़बड़ी मिलने पर उसकी भरपाई का प्रावधान है। इसके लिए राज्यों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। मनरेगा के कार्यों की शिकायत सुनने के लिए जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति होती है, लेकिन ये सभी कहीं काम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का भी पालन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ मिल रही हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर, जनसंख्या विस्फोट विकास में बाधा, नियंत्रण व
को कानून बनाने की मांग। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है कि किस जनसंख्या की जो किसी देश की जनसंख्या में मृत्यु दर में कमी आना, जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होना, और इन संयुक्त प्रयास जो प्रभाव है इन्हीं को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो अब जनसंख्या विस्फोट विकास में बड़ी बाधा, नियंत्रण को कानून बनाने की मांग। तो अब ऐसा प्रश्न बन सकता है कि जनसंख्या विस्फोट विकास में बड़ी बाधा है तो किस तरह से बड़ी बाधा बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भागवत कथा वाचक देवकी नंदन की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। केंद्र सरकार पूर्व में शीर्ष कोर्ट में कह चुकी कि वह जबरदस्ती परिवार नियोजन लागू नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की संभावना तलाशने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी किया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की गई, लेकिन हमें पता है कि जो अभी जनसंख्या जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कहीं ना कहीं 2.1 के लगभग बराबर आ गई। तो इसलिए भारत में कहीं ना कहीं जो जनसंख्या नियंत्रण है उसके कानून बनाने की जरूरत नहीं। अगर यदि हम भी जनसंख्या नियंत्रण के कानून बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो चीन में भी जो जनसंख्या के जो बेस है उसमें अब जैसे जैसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है तो उसका जो बेस है वो कमज़ोर होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे विकास बाधित होता है। तो अभी भारत में जो जनसंख्या यानी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कहीं ना कहीं 2.1 के समथिंग आ गई, इसलिए हमें इसकी कहीं ना कहीं जो आवश्यकता है वो नहीं है। बाकी हम राज्य स्तर पर इस पर काम किया जा सकता है, क्योंकि कई राज्यों का जो स्तर है जिसमें टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से ऊपर है, और कहीं राज्य स्टेट ऐसे जिनमें ये 2.1 की जो आइडियल जो पॉपुलेशन रेट है वो हासिल कर ली गई, परिवार नियोजन लागू नहीं कर सकती, ये केंद्र सरकार का कहना है। किसी के खिलाफ इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए नियम और कानून और नीतियाँ बना सकती हैं। जनसंख्या विस्फोट लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि नागरिकों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पेयजल, स्वस्थ और आश्रय, जीवन यापन, शिक्षा का अधिकार और जनसंख्या नियंत्रण के बगैर इन अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। जनसंख्या विस्फोट ज़्यादातर समस्याओं की जड़ है, ऐसा याचिकाकर्ता का कहना है। याचिका में वैकल्पिक मांग में कहा गया कि विधि आयोग को निर्देशित दिया जाए कि वह दुनिया के विकसित देशों के जनसंख्या नियंत्रण कानून नीतियों का अध्ययन करके भारत में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय सुझाए, ताकि नागरिकों को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, भोजन, स्वास्थ्य और तो जीवन यापन या शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित हो सके। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। नौ राज्यों में केंद्र शासित जो हाल अभी ऊपर चर्चा कर रहे थे हम GST एंड पॉलिटिन कॉन्स्टिट्यूशन, नौ राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक, तो नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल नहीं है। हिंदू लद्दाख में 1%, मिजोरम में 2.75%, लक्षद्वीप में 2.77%, नागालैंड में 8.74%, मेघालय में 11.52%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, पंजाब में 38.49%, मणिपुर में 4.129%, जम्मू कश्मीर में वैसे तो हिंदुओं की आबादी लगभग 28% है, लेकिन कश्मीर घाटी में हिंदू मात्र 4% है। अल्पसंख्यक होने के बावजूद इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं को संविधान के अनुच्छेद 29-30 में मिलने वाले संरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। याचिका में उन राज्यों के उदाहरण भी दिए गए हैं जहाँ मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों के बहुसंख्यक होने के बावजूद उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो हम थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स पर बात कर लेते हैं कि जो हमारा जो अनुच्छेद 14-18 है वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, फिर 19-22 राइट टू फ्रीडम की बात करता है, फिर 23-24 जो अनुच्छेद है हमारे वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं, फिर 25-28 राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और 29-30 यानी कल्चर एंड एजुकेशन राइट का अधिकार देता है अनुच्छेद 29-30। अब हम एक मैप देख लेते हैं इससे संबंधित।
ये देखिए, जो क्रिश्चियन है यानी जो ईसाई है वो अरुणाचल प्रदेश में 30% है, यानी हिंदू अल्पसंख्यक है। यहाँ क्रिश्चियन मेजोरिटी जो नागालैंड है, यहाँ क्रिश्चियन यानी मेजोरिटी यानी हिंदू अल्पसंख्यक है। इसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए आप, जो आपको हिंदू कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक नज़र आएंगे, जम्मू कश्मीर में भी आपको हिंदू अल्पसंख्यक नज़र आएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के विषय को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं हमारे मेंस के प्रस्पेक्टिव से। और अभिव्यक्ति यानी विचार को आप स्वयं पढ़िएगा। अब हम चलते हैं हमारी अगली खबर। खुदरा महंगाई में मिल सकती है राहत। घरेलू बाजार में कच्चे तेल और खाद्य उत्पादों के दामों में नरमी से मिलेगी मदद। जुलाई की खुदरा महंगाई दर में राहत मिलने का अनुमान है। जैसा कि हमें पता है कि महंगाई क्या होती है, यानी जो कीमतें हैं उनकी जो दरों में निरंतर कीमतें बढ़ती रहना, उनको महंगाई कहते हैं। अब महंगाई को जो मापने के लिए दो तरह के सूचकांक बनाए गए, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें होलसेल प्राइस जो CPI है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो कीमत है वो रिटेल की जो कीमत है उसके आधार पर देखी जाती है, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें जो होलसेलर है उसके हिसाब से जो कीमतें चेंज हो रही वस्तुओं में उसको प्रदर्शित करता है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें मंथली आधार पर जो प्रकाशित की जाती है अपनी रिपोर्ट, जबकि WPI में वीकली, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में कहीं ना कहीं केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो आम जनता के हिसाब से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं आम जनता पर पड़ता है, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो होलसेलर जो रहते हैं उनके हिसाब से कीमत को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। अब हमें जैसे पता है कि जो महंगाई काम कैसे करती है, तो महंगाई एक तो डिमांड पुल यानी मांग बढ़ने से कीमतों की जो वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है, दूसरा है कॉस्ट पुश फैक्टर यानी जो कीमत को जो बनाने में जो सामान लग रहे हैं उनकी कीमत बढ़ जाए, और बिल्ड इट यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उसके संरचना निर्माण में इस तरह की जो चीज़ों में वृद्धि होने से भी उसमें कहीं ना कहीं कीमत बढ़ जाती। अब ये जो हमारा टॉपिक है GS3 इंडियन इकोनॉमी, और उसमें महंगाई से संबंधित है। जो हाल ही में जो खुदरा महंगाई दर में राहत मिलने का अनुमान है, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि कच्चे तेल और खाद्य तेल के दामों में नरमी के रूप से ये संभावना जाहिर हुई है। जून में खुदरा महंगाई दर 7.01% थी, जो जुलाई में 6.5% रह गई। RBI ने खुदरा महंगाई की अधिकतम दर 6% तय कर रखी है। इस स्तर से अधिक महंगाई विकास में बाधक साबित होती है, क्योंकि कीमत बढ़ने से लोग कहीं ना कहीं जो सामान की और सेवाओं की जो मांग है उसमें कमी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनका प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो GDP है उसमें वृद्धि दर्ज नहीं की जा सकती, तो कहीं ना कहीं हमारे इससे विकास बाधित होता है। कहीं ना कहीं जो ब्रेंड क्रूड के दाम में कमी आई है, तो इससे कहीं ना कहीं जो तेल है उनकी कीमत कम होने से वो जिस में इंपोर्ट की तरह उपयोग किए जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं जो लागत है कम हो जाएगी। भारत में खाद्य तेल की खुदरा कीमत में कमी आई है, तो इससे कहीं ना कहीं जो खाद्य वस्तुओं में जिसमें तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी कीमत कम हो जाएगी, और वैश्विक स्तर पर मूल्य में कमी का भारत में दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र के जो खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक जो फूड प्राइस इंडेक्स है उसमें 140.9 रहा, जो पिछले जून के मुकाबले 8.6% कम रहा। इससे पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों के दाम कम होने से भारत में उसका असर दिख रहा है। भारत में सोयाबीन कॉटन के उत्पादन में बढ़ोतरी के अनुमान से ऑयल केक के दाम में नरमी की संभावना है। पशुओं के चारे में नरमी से दूध अंडा और मांस की खुदरा दाम की कमी आ सकती है। वैश्विक स्तर पर कमोडिटी के दाम में कमी और खासकर कच्चे तेल के साथ खाद्य तेल के दामों में नरमी से खुदरा महंगाई दर में कमी के आसार हैं। रेपो रेट के 6% के स्तर तक ले जा सकता है RBI जो रेपो रेट है, रेपो रेट जिसमें नीतिगत दर है, अभी हाल ही में जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक हुई थी RBI मौद्रिक नीति समिति, तो एक बार आप इसे जरूर देखिएगा। JGEM पोर्टल पर सहकारी समितियों की ई लॉन्चिंग आज। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस
पोर्टल पर सहकारी समितियों की ई लॉन्चिंग करेंगे। सहकारी समितियां जेम पोर्टल के जरिए वस्तुओं सेवाओं की खरीद बिक्री कर सकेंगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। आठवां वेतन आयोग बनाने पर का प्रस्ताव नहीं, यानी जस्ट पॉलिटिन कॉन्स्टिट्यूशन से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। हर 10 साल के बाद केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित किया गया था। वेतन आयोग का संवैधानिक ढांचा व्यय विभाग यानी वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है। दिवालिया कानून, दिवालिया समाधान प्रक्रिया यानी जो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं उनके लिए दिवालिया समाधान प्रक्रिया, विमानन क्षेत्र में रोजगार मिलने के आसार, बैंकिंग प्रणाली में नकली नोटों का मूल्य, CBI पोंजी स्कीम, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। तो इस तरह से हमें इन पर केवल नज़र रखनी है एक तरह से कि किस हम यदि हम पढ़ते तो हमें पता चलना चाहिए कि इसकी महत्वपूर्ण महत्वता क्या इस टॉपिक की। अब अगली खबर हम चलते हैं। लंपी स्किन डिजीज का वायरस आमतौर पर पशुओं को ही संक्रमित करता है। जैसे हमें पता है कि अभी कहीं कहीं पश्चिमी राज्यों में जो लंपी स्किन डिजीज है वो कहीं ना कहीं पशुओं में इसकी जो वायरस है वो लगातार फैलते जा रहा है, जिससे कहीं पशुओं में मृत्यु हो चुकी है और ये संक्रमित फैलता जा रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं इससे इंसानों को प्रभावित नहीं करता है लंपी डिजीज स्किन वायरस, अभी इस पर रिसर्च किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर। यूक्रेन में जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को सैन्य मुक्त क्षेत्र बनाने की मांग। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों के परमाणु संयंत्र की दरों की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा परमाणु संयंत्र आत्मघाती साबित हो सकता है। अब हमारी अगली खबर है। चीन ने फिर ताइवान जल क्षेत्र के पास किया सीमेबंद। अब ये हमारे G2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत को प्रभावित करने वाले नीतियों और रणनीतियों से जो दूसरे देशों के द्वारा चलाई जाती है। चीन ने फिर ताइवान जल क्षेत्र के पास किया सैन्य बल। चीन की सेना ने ताइवान के आसपास सोमवार को फिर से सैन्य अभ्यास शुरू किया। जो चीन है ये कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि सभा नैन्सी पेलोसी और जो अमेरिकी संसद की जो प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष है नैन्सी पेलोसी की ताइपे यात्रा के विरोध में अपनाए गए भड़का हुआ है। ताइवान सैन्य देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्रता और लोकतंत्र की परंपरा की ओर ज्यादा मजबूती के साथ रक्षा करेगी। पूर्वोत्तर के लिए सामान ले बांग्लादेश में मंगला बंदरगाह पहुंचा भारत का जहाज। बांग्लादेश के मंगला बंदरगाह पर सोमवार को भारत का पहला मालवाहक जहाज पहुंचा। यहां से सामान को सड़क मार्ग से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहुंचा जाएगा। दोनों भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय समझौता किया गया था। पूर्वोत्तर भारत में सामान के परिवहन के लिए बांग्लादेश के मंगला और चटगांव का इस्तेमाल किया जाएगा। कोलकाता बंदरगाह से सोमवार को हमारे बंदरगाह पर पहुंचा, यानी जो मंगला पोर्ट पर पहुंचा। सामान को अब यानी जो मंगला बंदरगाह पर जाने के बाद अब सामान को सड़क मार्ग से उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में ले जाया जाएगा। चटगांव बंदरगाह पर पहुंचने के बाद जिसे बाद में त्रिपुरा और असम में ले जाया जाएगा। दोनों देशों के ने 2015 में प्रारंभिक ट्रांसशिपमेंट सौदा किया था। 2018 में इससे विस्तृत समझौता हुआ। कोलकाता और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रमुख शहरों के बीच ट्रांसशिपमेंट के लिए चटगांव और मंगला बंदरगाह के उपयोग से दूरी लगभग आधी रह जाएगी। ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था से कम लागत पर सामान की आवाजाही हो सकेगी। इससे द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर। ऑस्ट्रेलिया यानी जो राष्ट्रमंडल 2022 है, ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पे है, जिसने कहीं ना कहीं
कुल मिलाकर 178 पदक जीते और भारत का स्थान चौथे नंबर का रहा, जिसमें 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है, 23 ब्रॉन्ज है और कुल मिलाकर 21 पदकों के साथ भारत फोर्थ स्थान पर रहा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। ये हमारे जैसे ये JS1 यानी मॉडर्न हिस्ट्री से काकोरी में ट्रेन लूट कर अंग्रेजों को दिया खुली चुनौती। 1925 में आज ही क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के दल ने लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर काकोरी में ट्रेन लूट कांड को अंजाम दिया था। क्रांतिकारियों का उद्देश्य ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था। भारत और रूस के बीच दोस्ताना संबंध की रखी गई थी नींव। 1971 में आज ही तत्कालीन सोवियत संघ के विदेश मंत्री और भारत की विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने सोवियत और भारत शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे और ये संधि दोनों देशों के मैत्री संबंधों में मिल का पत्थर साबित हुई थी और कहीं ना कहीं इसी से भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है उसमें कहीं ना कहीं संधि ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। छत्तीसगढ़ में मिले 1.5 अरब वर्ष पुराने बहुकोशी समुद्री सेवाल। अब समुद्री सेवाल क्या होते हैं, इन्हें अलगी भी कहते हैं। ये सरल जीव होते हैं जो कहीं ना कहीं जो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये स्वकोशी होते हैं, ये बहुकोशी और एककोशी भी हो सकते हैं। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला की महत्वपूर्ण हैं। इनका उपयोग जैव ईंधन, प्रोटीन में, खनिज में, वसायुक्त खाद्य, मछलियों के भोजन, उर्वरक और जैविक संकेतकों में किया जाता है। कुछ रोचक तथ्य इनके बारे में शेयर। ऑक्सीजन शैवाल द्वारा बनाई गई थी। सभी पौधे शैवाल से विकसित हुए हैं। उन पौधों से ही पृथ्वी पर जीवन विकसित हुआ है। शैवाल ने पहले पृथ्वी के वायुमंडल को ऑक्सीजन को उत्पन्न किया। अब कल पृथ्वी के सभी शैवाल मर गए तो पृथ्वी पर तो जीवन समाप्त हो जाए। अब ये हमारे जीएसटी कंजर्वेशन एनवायरनमेंट हिस्ट्री इकोलॉजी संबंधित हैं। 2000 वर्षों से परंपरा है कि किसान अपने पशुओं को चारे के साथ थोड़ा सा शैवाल खिलाते हैं। 10-30% तक उत्पादन बढ़ सकता है यदि लंबे समय से मिट्टी में थोड़ा सा समुद्री शैवाल मिलाया जाए। $450 लाख का बाजार है समुद्री शैवाल का। कनाडा और उत्तरी यूरोप में सैकड़ों किसान शैवाल की खेती करते हैं, क्योंकि शैवाल हमारे लिए किस तरह से तो कहीं ना कहीं जैव ईंधन में, प्रोटीन में, खनिज में, वसायुक्त मछलियों के भोजन, उर्वरक, जैविक संकेत आदि में उपयोग किया जाता है। बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बहुकोशिकी समुद्री भूरे शैवाल के जीवाश्म खोजे निकाले हैं। छत्तीसगढ़ से मिले इन शैवालों से जीवन की जटिल संरचनाओं की शुरुआत मानी जा रही है। सुरंगी नदी खंड व बेंदला डोंगर की पहाड़ियों से मिले भूरे रंग के शैवाल। शैवालों का इवोल्यूशन में बड़ा योगदान। शैवाल एक कोशिकी या बहुकोशिकी हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुकोशिकी शैवाल की अधिकता मिली है। इन शैवालों का क्रमिक उत्पत्ति यानी इवोल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान है। इनमें प्रजनन क्षमता थी जिसके चलते ही बहुकोशी जीवन की शुरुआत हुई। शैवालों से बहुकोशी के जीवन की शुरुआत का अंदाजा लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में लगभग 1-1.5 अरब वर्ष पुरानी उस समय को बोरिंग बिलियन काल भी कहा जाता है। अब हमारी खबर यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। हम एक बार मोंगला और चटगांव पोर्ट देख लेंगे। यह हमारा प्यारा भारत और यह है बांग्लादेश और ये बंगाल की खाड़ी, यानी दोनों जिससे सीमा साझा करते हैं। और ये हमारा कोलकाता पोर्ट से जो मंगला पोर्ट है, ये रहे मंगला पोर्ट तक। और मंगला पोर्ट से कहीं ना कहीं जो त्रिपुरा है और त्रिपुरा से होते हुए असम के रास्ते होते हुए कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता। और एक चटगांव जो महत्वपूर्ण चर्चा में बना रहता है, यह है चटगांव पोर्ट। चटगांव पोर्ट तक यानी भारत में कोलकाता हुगली से होते हुए चटगांव पोर्ट और चटगांव पोर्ट से त्रिपुरा के रास्ते पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य की आवाजाही की जा सकी। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा जो एक सिलीगुड़ी है, ये पूर्वोत्तर को जोड़ने का एकमात्र विकल्प था सिलीगुड़ी, तो कहीं ना कहीं इसका विकल्प तलाशे गए हैं कि मान लो कभी भी
इधर हमारे पता है कि कहीं ना कहीं इधर चीन और हमारा जो कहीं ना कहीं जो सिले मान लो युद्ध की स्थिति में हमारा कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी जो मार्ग उसको बाधित कर सकता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र से कनेक्शन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए विकल्प तलाश करने की ज़रूरत थी, जिसका विकल्प हमारे यहाँ से कोलकाता, कोलकाता से होते हुए यहाँ से मंगला पोर्ट, मंगला पोर्ट से त्रिपुरा और यहाँ से चट्टगांव से होते हुए त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय सब तक हम बेहतर कनेक्टिविटी समुद्र के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद।